इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस की जो प्रवक्ता बैठी हुई हैं, अभी जुम्मा जुम्मा आए हुए 4 दिन हुए हैं इनको डिबेट में, और मैं डेड श्योर हूं कि ये गली की भी प्रवक्ता नहीं होंगी, आधिकारिक प्रवक्ता ये गली की भी नहीं होंगी। अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखा दीजिएगा, अगर चेक कर लेंगे तो आप प्रवक्ता भी नहीं होंगे कांग्रेस के, और होंगे तो किसी गली मोहल्ले चौराहे की प्रवक्ता होंगी। हमारे साथ में इस वक्त एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एके मिश्रा जी, अगर देखा जाए तो दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल बयान दिया गया था ठाकरे साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि सत्ता ही तो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, और आज वो कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लगातार अगर देखा जाए तो हमारे पास में संख्या पूरी पर्याप्त है। शरद पवार के सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एकदम डबल हाई नजर नहीं आ रहा? देखिए, ठाकरे परिवार की या शिवसेना के जो भी मुखिया रहे हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया ना सत्ता ही जाएगी, तो अब तो आप बचा तो सकते नहीं हो, आपको शायद ये लग गया हो, तो बस वही है, अंगूर खट्टे वाली चीजें हैं। अगर सत्ता जाएगी तो शिवसेना के परिवार का, बाला साहब के परिवार का ये रहा है कि डायरेक्ट वो कभी पॉलिटिक्स में या सत्ता में इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो आपने सीएम की कुर्सी क्यों ली। ये सारे प्रॉब्लम को अगर देखना है तो इसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करके देखना चाहिए। एक तो ये जो राजनीतिक संकट है, सरकार किसकी बनेगी, किसके पास बहुमत है, किसके पास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रॉब्लम और चल रही है कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे वाली है या एकनाथ शिंदे की है। एक और उसमें नाम जोड़ सकते हैं आप, राज ठाकरे की है। ये 3 है कि भाई असली शिवसैनिक कौन है। और एक सबसे बड़ी चीज है जो कि बड़ी हिस्टोरिकल चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, ये लड़ाई करंट सत्ता की नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की धरती को जो लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, ये एक सिद्धांतों की भी लड़ाई है। अब आप इतिहास में पीछे चलिए, महाराष्ट्र का जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, उसकी स्थापना आप ये देखिए शिवाजी महाराज और इन लोगों ने की थी, और जितने भी हुए हैं आप ये देखिए, अभी एक जो फिल्म भी आई थी मराठा वॉरियर्स के ऊपर जो आई थी, इन लोगों ने जो पॉलिटिकल सिद्धांतों की जो स्थापना की 300-400 साल पहले, उसमें हिंदुत्व एक बहुत बड़ा एजेंडा था। शिवसेना के साथ इसके पहले कभी प्रॉब्लम नहीं आई, बालाजी के टाइम पे, तो उसके पीछे रीजन था कि उनका उद्घोष वाक्य, उनका मोटो, हर चीज एकदम क्लियर था विदाउट एनी डाउट कि शिवसेना का मतलब, बाला साहब का मतलब क्या है, और वो उससे इतर कभी भी नहीं हुए अपनी पूरी जिंदगी में। जब ये इतर हो गए उद्धव ठाकरे, इन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, शिवसेना की आइडियोलॉजी, और सैकड़ों साल पुरानी जो मराठा पॉलिटिकल की आइडियोलॉजी जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। आप ये देखिए, एक मंत्री इनका पकड़ा गया, ऑडियो वायरल हुआ, पूरी सरकार को इन्होंने लगा दिया इस चीज पे कि जी आप पैसे वसूलो, उसके साथ संतों की हत्या हो जाती है। शिवाजी महाराज की धरती पे संतों की हत्या हो जाए, ये पूरे देश के कोई भी नागरिक या महाराष्ट्र में तो ये एक्सेप्टेड है ही नहीं जी। अपने सिद्धांतों से ये अलग होते चले गए, और जब आदमी अपने बैकबोन से, अपने सिद्धांतों से अलग होता है आदमी, तो क्या बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े शंशा टूट जाते हैं। इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अब लड़ाई आइडियोलॉजिकल ये है कि भाई कौन है शिवसेना, कौन है वो है कि ये है, असली शिवसैनिक कौन है, लड़ाई इस चीज की हो रही है। अगर सरकार वरकार की लड़ाई होती तो कोई बाहर क्यों जाता, सरकार में तो वो थे ही, पहले विधायक थे, मंत्री थे, मिनिस्टर थे, तो इस लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई आइडियोलॉजी की है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी अग्नि परीक्षा है कि वो ये प्रूफ कर सके कि हाँ असली शिवसेना हम है, वो तेवर हमारे अंदर है, वो सिद्धांत हमारे अंदर बाकी है अभी जी। तो मुझे लगता है हमें हर एंगल, और यहाँ जो बैठे लोग इसे विचारधारा की लड़ाई कह रहे हैं, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं। और मैं अभी एक अपने बड़े वरिष्ठ पॉलिटिकल एक्सपर्ट उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा सिद्धांतों की लड़ाई है। शिवाजी महाराज के सिद्धांतों की लड़ाई है। एक बात बताइए, 2.5 साल सत्ता का सुख भोग चुके आप, आपको सिद्धांत नजर नहीं आए, और हिंदू आदि क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन क्या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की बेइज्जती करना, उसे अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, उसका खून करना, ये हिंदूवादी है? तो भाई ऐसे हिंदूवादी मुझे लगता है फिर आपके पैनल में जो बैठे हैं, जो बहुत उनकी वो कर रहे हैं, वही होंगे, क्योंकि ऐसे हिंदूवादी इस देश को नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये देश धर्म निरपेक्ष है। परंपरा है जिससे
सिद्धांत का एक तो बिजली पूरे वाले बाल खाने के लिए आप करके लेने का सोचा नहीं करते हैं जब नहा तो लड़िए मैं वापस वापस आने देंगे सीमा दूंगी तकलीफ क्या होगा बिना शर्त के समर्थन देने का ऐसी क्या मुझे नहीं आ रही है कि कौन एक तरफ करेंगे हिंदुओं को बहुत कमजोर को दमन करने के लिए दमन करने के लिए आए ठीक है हिंदू तो घर संतों की हत्या संतों की हत्या आपने आपने बात चली दूसरों की खून दर्द की दी जाती है संतों की हत्या किसने की थी और कहां करवाई गई थी बताइए जरा कांग्रेस सरकार किस बोली थी ठीक है महाराष्ट्र से तेजी से हो रही है क्या हुआ था संतों की हत्या सड़कों में ला दे रहे हैं और लेके जाते रहेंगे ना संतों की हत्या पे कार्रवाई हुई पालघर में जो हुआ चले ठीक है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिद्धांतों की लड़ाई कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हमारे साथ एके मिश्रा जी जुड़े हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। एके मिश्रा जी अब देखा जाए तो अब सारी बात आ चुकी है फ्लोर टेस्ट पर, क्या लगता है क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास में बहुमत है, हमारे पास में वो जादुई आंकड़ा है, हम सरकार बना सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए शिवसेना और शिवसेना के साथ जो कांग्रेस है, अब एनसीपी की तो मैं बाद में व्याख्या करूंगा, कांग्रेस है, ये लोग इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो बैठ करके मीडिया पे क्यों चिल्ला रहे हैं हमारे पास जो है फ्लोर टेस्ट में हम जीत जाएंगे, बहुमत है। हाँ, चार दिन से क्राइसिस चल रही है, तुरंत दो दिन के भीतर जो है आकर के आप फ्लोर टेस्ट करवा करके अपने सरकार को रीस्टेब्लिश कर सकते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस की जो प्रवक्ता बैठी हुई है, अभी जुम्मा आए हुए चार दिन हुए हैं इनको डिबेट में, और मैं डेड श्योर हूं कि ये गली की भी प्रवक्ता नहीं होंगी, आधिकारिक प्रवक्ता ये गली की भी नहीं होंगी। अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखा दीजिएगा, अगर चेक कर लेंगे तो आप प्रवक्ता भी नहीं होंगे कांग्रेस के, और होंगे तो किसी गली मोहल्ले चौराहे की प्रवक्ता होंगी। तो दूसरों को चुनौती देने के पहले अपनी हैसियत, अरे अब हमने आप जैसे 500 देखे हैं, आप तो अभी चार दिन आए हुए हैं, थोड़ा तहजीब से डिबेट किया करें, चिल्ला आपके चिल्लाने से हमारा जो टॉपिक है आपसे हम पूरा नहीं भटक रहे हैं। ठीक है चलिए ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी आज हम प्रोटेस्ट को लेकर बात करें लगातार। विदेशी अगर एक मिश्रा जी आपके पास आते हैं कि आपने मुझे भी डिबेट पे बुलाया हुआ है जी। मैं मिश्रा जी को एक बात बोलना चाहती हूँ, मिश्रा जी आज तक मुझे नहीं पता आपकी कांग्रेस की किस प्रवक्ता से पाला पड़ा, आज मैंने आपका असली चेहरा आपको दिखाया इसलिए आप मेरे साथ पर्सनल हो गए। अपना व्हाट्सएप नंबर अभी इसी चैनल पे मुझे दीजिए, मैं आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजती हूँ। वैसे तो आई डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू पीपल, आई रियलाइज मैंने आपको बोला आप किसी छोटे मोटे जगह की प्रवक्ता होंगी, मैंने आपको बोला ना आप होंगे किसी छोटे मोटे टाउन एरिया में, बेहतर होगा हमें इस चीजों को पर्सनली ना ले, आप पर्सनली किसी को ना चाहिए जाए ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को मैं जानता हूं जो नेशनल टीवी पे ठीक है, मैं जानता हूं कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को। प्रतिमा जी किसी कभी मोहल्ले टाउन प्रतिमा जी मुस्का जी हम बात करें महाराष्ट्र को लेकर, किसी पर पर्सनली कमेंट ना किए जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। आप बोल रही है ना ये दिखा, अभी जाके ट्रेनिंग लीजिए, जाके ट्रेनिंग लीजिए, आपके जैसे 500 प्रवक्ता एके मिश्रा जी कांग्रेस की भूमिका माता ठीक है, ठीक है एके मिश्रा जी कांग्रेस की भूमिका निभाने के लिए बैठे रहते हैं यहाँ पे रोज। एके मिश्रा जी देखिए डिबेट पर्सनली कमेंट्स के लिए नहीं बुलाई गई है, डिबेट्स को हम बात कर रहे हैं सियासत को लेकर, महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर, किसी को पर्सनल कमेंट ना कीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा। किसने की, मैंने आपके खिलाफ कोई पर्सनल बोला था? चलिए ठीक है चार मिश्रा जी चार दिन हुए या एक साल हुए आप वो चीज छोड़ दीजिए, नहीं ठीक है देखिए मिश्रा जी ज्यादा बेहतर होगा पर्सनल कमेंट्स ना किए जाए, मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ब्रजेश जी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो डिबेट का हमारा टॉपिक है वो इधर उधर घूमता हुआ पर्सनल कमेंट्स पर जा रहा है।
मैं मिश्रा जी के साथ ठीक है एके मिश्रा जी प्लीज 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 प्रतिमा जी हमारी प्रतिमा जी रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज गेट पर आने वाले एक एक गेस्ट हमारे लिए सम्माननीय है और कृपया व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी ना करें। सबसे बड़ी चीज है मुद्दे की बात है कि आखिर शिवसेना का क्या होगा और क्या महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या हटेगी, मुद्दा इस बात को लेकर के है। तो है ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ये चैलेंज और रसूख बचाने का जो खेल है ना चैलेंज, वो शरद पवार के लिए भी है। मैम आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, इंटेलेक्चुअल बात करनी है तो करिए, नहीं तो जब मुंह ताला लगा के बैठिए। तो शरद पवार को क्योंकि सरकार उन्होंने ही बनाई थी, सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में चाणक्य जो है शरद पवार जी को दिया गया था। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त शरद पवार के पास है कि जो सरकार उन्होंने बनाई वो सरकार अब क्या करेगी। अगर ये सरकार गिरती है, शिवसेना और महा विकास अघाड़ी सरकार नहीं बना पाती है, तो ये पूरा धब्बा दाग लगेगा शरद पवार जी के ऊपर। कांग्रेस ने तो चुपचाप बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया था। ये शरद पवार जिनको महाराष्ट्र का चाणक्य बोला गया था इस सरकार को बनाने में महा विकास अघाड़ी में, ये उनकी इज्जत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तुम्हारे बच्चों को अपनी पद की राह पर छोड़ दिया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, देखिए प्रतिमा जी बात नहीं, केंद्र सरकार की बात हम बाद में करेंगे, किसी और डिबेट में करेंगे। आज बात हो रही है महाराष्ट्र को लेकर, बाकी मुद्दे पर हम अगली बार डिबेट करेंगे। आज सिर्फ बात महाराष्ट्र की करें, महाराष्ट्र की बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। आज आप चुकी एज में इतनी छोटी है, मैं सम्मान कर रहा हूँ। एक महिला हो के किसी के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए ये काम कर सकता है। अपने बच्चे राहुल गांधी, कांग्रेस का जो बच्चा है राहुल गांधी संभाल लीजिए, ईडी के पास वो जा सके। प्लीज बस करिए, पहले उनको ठीक है बात सिर्फ महाराष्ट्र तक ही रहने देते हैं ना। ठीक है मिश्रा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करिए और प्रतिमा जी आपसे भी रिक्वेस्ट करिए।